लोगों को सपना दिखाना है और सपना दिखाना है तो थोड़े थोड़े झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि चौधरी चरण सिंह जी की इतनी लंबी जीवन यात्रा में उन्होंने कभी कोई हल्की बात नहीं कही, कभी कोई झूठा वादा नहीं कहा, कभी कोई ऐसी बात नहीं कही कि लोगों को उत्तेजनाओं का लाभ उठा लें, लोगों को भड़का दें। उनका एक पुराना समीकरण था, वो समीकरण क्या था आप जानते हो? उनका समीकरण क्या था? और मुझे खुशी हो रही है, मंचा सिंह सबको आनंद है इस दृश्य को देख करके कि चौधरी चरण सिंह जी का जो पुराना समीकरण था, जिसके गीत हम गाते हैं, जिसकी आवश्यकता आज आम आदमी महसूस कर रहा है, आज उस समीकरण को हम ये देख दिखाई पड़ रहा है कि हम सब साथ होके बैठे। ये बहुत बड़ी बात है। नफरत की आग में कुछ लोगों ने झुलसने की कोशिश की, बंटवारे किए, छोटी छोटी बातों को बड़ा मतभेद बनाकर दिखाया। क्राइम होता है, पहले भी क्राइम होता था, पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि क्राइम किसने किया, वो किस जाति का है, किस धर्म का है। पूरी जाति को एक अपराधी से जोड़ के चलना, क्या हालत है यूपी में, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मथुरा, जहां अवैध कब्जा कुछ लोगों ने जमीन पर कर रखा। कलेक्ट्रेट के सामने कई एकड़ जमीन, 3 साल 4 साल 5 साल बैठे हुए लोग और सरकार को कुछ अता पता नहीं। क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है, किसी को मालूम नहीं कि सरकार कौन चला रहा है। मीटिंग में अध्यक्षता किसकी होगी, मुख्यमंत्री का फैसला कब तक कायम रहेगा, ये नेतृत्व नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी का वो सुनहरे दिन को याद रखें, वे भी आपने बनाए थे, पुराने उस जमाने को देखें, जो उनकी कार्य कुशलता थी, जो उनकी प्रशासनिक पकड़ थी, जो उनकी ईमानदारी थी। आज भी बहुत लोग हैं, बिहार की तरफ हम देखते हैं, बीमारू प्रदेश कहा जाता था बिहार को, श्रृंखला में सबसे अव्वल दर्जे में देखते थे लोग कि पिछड़ापन है, मतलब बिहारी। लेकिन वो पहचान धीमे धीमे बदल रही है। ऐसा नहीं, अच्छे लोग हैं। और खुशी की बात यह है कि यहाँ जो लोकदल के मुद्दे थे, जब चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा का सवाल उठता था तो उत्तर प्रदेश में वो अकेले पड़ जाते थे। लेकिन और एक क्या होता है, गणित सबका ठीक है, कॉलेज में हम बैठे हैं और एक 11 बता रहे हैं, लेकिन सही बता रहे हैं, बहुत बल मिलेगा। और खुदा संकेत है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको तय करना है कि किस तरह के नेतृत्व को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक ताकत है आपके सामने, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार की अगली चाबी जो है जनता के हाथों में होगी, आपके हाथों में। यही रास्ता है। और एक बात और, नेता आप ही लोग तो बनाते, आप ही लोग के सहारे से लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक चीज बहुत दर्दनाक है देश में, हम देखते हैं एक उदासीनता है समाज में। जो लोग अच्छे लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, कुर्बानियां दी, आज समाज की बहुत बड़ी कमी है कि हम उनको सही रूप से सम्मान नहीं दे पा रहे। शहीद आजम भगत सिंह जी, बहुत दुख हुआ, अभी उनकी जयंती को पूरे देश ने मनाया, उनकी गांव की एक तस्वीर अखबार की एक कहानी में दर्शाई गई। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने वादा किया था कि उनके गांव को जो पंजाब में है हम गोद लेंगे, उसका विकास करेंगे, नई मिसाल बनाएंगे। वहां गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की उस कुर्बानी के स्मृति में वहां म्यूजियम का निर्माण होना, 7 साल पहले प्रोजेक्ट था, उसका उद्घाटन हो चुका, बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन आगे उसमें और कोई प्रगति हुई नहीं। और यही नहीं, खट्टर साहब हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वह कहते हैं कि जो नया एयरपोर्ट, इसके नाम के पीछे चौधरी अजीत सिंह जी के प्रयास थे, जब मंत्री थे तब पास होके उन्होंने उस नाम को स्वीकृत कराया,
कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट होना चाहिए। आज मैं प्रस्ताव लिख के देते हैं हरियाणा सरकार से कि नहीं नहीं शहीद भगत सिंह जी के नाम से नहीं, मंगल सेन जो के आरएसएस के प्रचारक थे उनके नाम से एयरपोर्ट बनाएंगे। तो क्या है, क्या है ये अपमान नहीं है शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? आप क्या शहीद भगत सिंह जी की पहचान को अपना नहीं मानते? हमारी पहचान का हिस्सा है वो, क्या आपका अपमान ये नहीं? और कितने उदाहरण मैं दूं, मीरापुर के रुमालीपुरी गांव में हमारे सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हुए, नक्सलों से भिड़ गए और उनके परिजन आज तक घूम रहे हैं। उनकी जो है जो भी उनको वादे किए गए थे कि शहीद की स्मृति में हम ये करेंगे, विकास करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मथुरा के बबलू शहीद हुए नक्सलों से भिड़ करके, हमले में जान दे दी, कुर्बानी दे दी, आपके लिए दी है, उनके परिजन अब भी घूम रहे हैं, जुराए की बात है, अभी तक उनको कोई राहत सरकार के ओर से जो उनका वादा को किया गया था कोई पूरा नहीं कर पाए। क्या हो रहा है? अगर हम लोग इन लोगों की सम्मान के लिए इतना नहीं कर सकते।